भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के बैनर तले सोमवार को किसान यूनियन के दर्जनों महिला और पुरुष नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार के किसान कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव को प्रधानमंत्री को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों पर अविलंब विचार करते हुए उसे समाप्त नहीं करेगी तब तक हम सभी किसान धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन की दर्जनों महिला और पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष सतीश चंद्र ओझा और प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण सिंह ने कहा, जय जवान जय किसान जय यूनियन है। आगे हम लड़ाई है। जब जब भी किसान रहेगा देश उपाध्यक्ष अनूप सिंह हमारी मांगे पूरी हो। किसान अध्यादेश फिर वापस लो, वापस लो, हमारी मांगे पूरी हो। ज्ञापन देंगे पहले वापस लो, किसान अध्यादेश बिल वापस लो, किसान अध्यादेश बिल वापस लो, किसान अध्यादेश बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। जय जवान जय किसान जय रहे हम। ज्ञापन किसी मजिस्ट्रेट को बुलाइए, ज्ञापन देंगे कैसे चौकी में बैठाया गया है। सतीश साथ में बात किया है, हमने कहा उसका आरोप क्या है, 2 दिन पहले 12 बजे रात उसको बैठा दिया गया, पहले उसको छोड़वा दिया। नहीं मैं बात कर रहा हूँ, कार्यकर्ता कहाँ कहाँ है बताइए मुझे। पिपराइज थाने में रामजीत कन्नौजिया है और रामानुज विश्वकर्मा कचौरी चौरा थाने में। प्रदर्शन करके कलेक्टर में देना था गया, यही हमारा हो गया। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष अनूप सिंह, आज जिला कलेक्ट्रेट पर पूरे देशव्यापी आंदोलन के क्रम में गोरखपुर इकाई जो है डीएम साहब से बात कहने के लिए भारत सरकार तक हमारी बात पहुंचे, इसके लिए हम लोग आए हुए हैं। जो 3 बिलें हैं वो 3 बिल वापस कर दिया जाए और MSP पर गारंटी लाया जाए, कानून बनाया जाए और जो स्वामीनाथन आयोग है उस आयोग को लागू किया जाए जिससे किसान को लाभ मिले। जब 6ठा वेतन आयोग सरकार ने लागू किया उसी समय से स्वामीनाथन आयोग दम पड़ा हुआ है, उस स्वामीनाथन आयोग को भी लागू कर दिया जाए जिससे किसान को जो है उसका मतलब वाजिब हक मिल सके। आज पूरे देश में किसान इस चीज़ को लेकर परेशान है कि हमारा जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उस पर कानून लाया जाए और जो बिल है उसको वापस लिया जाए और किसान के मर्जी के बिना जो बिल लाए जा रहे हैं वो जब किसान बार बार कह रहा है तो सरकार ये कह रही है किसान नहीं है, ये देशद्रोही लोग हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है, चाहे जो भी आरोप लग रहे हैं। आज देश में जवान और किसान ही देश का जो पालन कर रहा है और जवान बॉर्डर पर है, देश के अंदर जो जमीन का सीना चीर करके अनाज उत्पादन करके जो देश को देने का काम करता है, ये हमारी GDP में भी जो है सबसे ज़्यादा योगदान देश में होती है। जो GDP के माध्यम से हमारा
आक्रमण से निर्धारण किया जाए ताकि हम सबसे ज्यादा लाभ में रहेंगे। माननीय प्रधान उनको प्रधानमंत्री जी को दिया गया है सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन, यहाँ का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने लिया है।